अगर आप भी ड्रीम इलेवन या ऑनलाइन गेमिंग के दीवाने हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, क्योंकि इस कंपनी को 55,000 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया है। दरअसल डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी DGGI ने कथित तौर पर ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग फार्मों को लगभग 12 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें उन पर लगभग 55,000 करोड़ का जीएसटी टैक्स चोरी का आरोप लगाया है। वहीं जीएसटी विभाग ने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन को 25,000 करोड़ से अधिक का नोटिस जारी किया है। इसके अलावा हेड डिजिटल वर्क के साथ साथ प्ले गेम्स 24/7 और इसकी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन को पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। और अधिकारियों ने DRC-01A फॉर्म के माध्यम से निर्धारित टैक्स लाइबिलिटी की नोटिफिकेशन भी जारी की है। और सूत्रों के मुताबिक हर्ष जैन की अध्यक्षता वाली ड्रीम इलेवन ने उसे भेजे गए कारण बताओ पूर्व नोटिस के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वही इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि DGGI द्वारा उठाई गई RMG कंपनियों की कुल GST मांग लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। और यह नोटिस GST परिषद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर 28% GST लगाने के निर्णय के बाद भेजे गए थे, जिसकी गणना एंट्री लेवल पर लगाए गए क्लेम को पूरे फेस वैल्यू के आधार पर लगाई गई थी। इसके अलावा प्ले गेम्स 24 और उससे जुड़ी कंपनियां, जिसमें रमी सर्कल और माई 11 सर्कल शामिल हैं, इसको 20,000 करोड़ का GST बकाया का नोटिस मिला है। इसके अतिरिक्त हेड डिजिटल वर्क को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के लिए पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाला इस देश में कितने ही लोग इस गेम को खेलते हैं, और इसके बावजूद भी इन कंपनियों का ये हाल है। आखिर ये लोग, इतनी पब्लिक जो इतना गेम खेलती है, उनके पैसे को करती क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट जरूर करें। बाकी ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ ना। अरे वाह, दिमाग लगाना है तो ड्रीम इलेवन पे लगा।